Respected Deputy Chairman, sir, a unique personality and magnetic personality of our house has brought an important bill in this house. Listen, you're regarding a compliment. T. Subbaraman Reddy. Listen. Yes, T. Subbaraman Reddy garu, an unique and magnetic personality of our house, has brought a very important bill in this house. I welcome the bill. मैं हिंदी में जाऊंगा फिर आगे. आज देश के अंदर जो आने वाले दिन के अंदर है, धीरे धीरे एक वेस्ट सबसे ज्यादा नगरों में उत्पन्न होता है. अभी जैसे विश्व की आंकड़ा बताते हैं, आने वाले 12 साल के अंदर सिटी पॉपुलेशन विल गो 70%, रूरल पॉपुलेशन विल बी 30%. इट मींस सिटीज विल बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मैन मटीरियल. इसके जगह कहां कहां होते हैं? बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल का परिसर है, पब्लिक फंक्शन करने के जगह है, फेस्टिवल है, मेला लगते हैं, टेंपल के फेस्टिवल चलते हैं. ऐसे कई जगहों के अंदर इसका बड़ा समुद्र निर्माण होता है और वे इतने तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे स्वच्छ भारत के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद एक बहुत बड़ा अभियान लिया गया है. इसके लिए प्रत्येक बड़ी मात्रा में धन की राशि म्युनिसिपैलिटियों को दिया गया है. परंतु मेरा कहना यह है, टी सुब्बाराम रेड्डी जैसे समझदार आदमी ये अच्छे बिल लाते समय शायद उन्होंने पूरा इसके बारे में विचार किया या न किया, मुझे ऐसा लगता है. वेस्टेज को निर्माण करना रोज बढ़ते जा रहा है. अगर वेस्टेज का निर्माण करना रोका नहीं जाएगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं ढूंढा जाएगा, तो मैं ये निश्चित कहूंगा हम जीवन के अन्यान्य क्षेत्र के अंदर नए नए जैसे समस्या खड़े हो रहे हैं. जैसे इन वेस्टेजों के कारण रेलवे स्टेशन की जहां गंदगी बढ़ती है, ऑल सोशल इविल एलिमेंट्स इंसिडेंट्स विल टेक अराउंड एवरी रेलवे स्टेशन इन इंडिया. स्वास्थ्य के ऊपर बड़े बुरे परिणाम पड़ते हैं, फैक्ट्रियों के आसपास में गलत चीज होते हैं. तो इन सबको रोकना है तो मेरा कहना है कि टी सुब्बाराम रेड्डी जी, सबसे बड़ा मेंटल पोल्यूशन जो है, मानसिक विकार, ये जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देश में आया है. मैं जहां तक अनुभव करता हूं, ये जो आवश्यकता से अधिक हमको सुविधा मिली है, ये गलत रास्ते पर हमको जीवन के हर क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया है. इसलिए ये आवश्यकता से अधिक मिलने वाली सुविधा, आपने वेस्टेज को कम करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया, उसका खाली मैनेजमेंट, और वेस्टेज ज्यादा करो और मैनेज करो, ये ठीक नहीं है. वेस्टेज आया ही नहीं. पब्लिक मालूम होगा, जैसा एक तरफ प्लास्टिक को प्रोडक्शन को बंद करो आपने नहीं कहा, और कुछ गलत चीजों को रोकने के लिए आपने नहीं कहा. जब तक इन प्रकार के गलत चीजों का उत्पादन, जो रिसाइकलिंग नहीं हो सकते हैं इजीली, जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में पैसे का खर्च होता है, तो कौन सा भी सरकार आएगा इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा. तो वैसा ही चीज का हम लोग उपयोग करें जो रिसाइकलिंग हो सकता है, और समाज को दी जाने वाली जो सुविधा है, मैं बड़े वेदना से कहता हूं, किसी गरीबी के प्रति मेरा तिरस्कार नहीं है. हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य चाणक्य जैसा आदमी ने कहा है, सरकार जो गरीबों को अन्यान्य प्रकार की सुविधाएं देती है, वो केवल लंगड़े लूले हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, विधवाएं हो सकते हैं,
ओल्ड एज हो सकते हैं, ऐसे 3 से 4% लोगों को सुविधा देना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। लेकिन हमने अपनी राजनीति के अंदर सुविधा के नाम पर रोज गरीबी की परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, सुविधाएं देते जा रहे हैं। मैं ये निश्चित कहूंगा, व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सुविधा देने से 99% लोग गलत रास्ते पर जाएंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। ऐसे कारणों के कारण आज इस प्रकार के कई देश के अंदर आने वाले समस्याओं के अंदर यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है वेस्टेज का। यह निश्चित है कई जगह म्युनिसिपैलिटीयां काम ले रहे हैं, उसको बाइफर्केशन करके ले रहे हैं, उसके लिए सरकार ने म्युनिसिपैलिटी में, पिछले सरकार में, ये सरकार में अलग स्टाफ की व्यवस्था की है, जो वेस्ट को रिसाइकलिंग हो सकता है उसका डब्बा अलग है, जो नहीं हो सकता है उसका अलग है, फिर उसको रिसाइकलिंग करने का बेलगांव और अन्य अन्य के देश के भागों में इसके लिए कई काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक सरकार ये नीति नहीं बनेगी कि इन वेस्ट वस्तुओं को जो रिसाइकलिंग हो नहीं सकता है, और जहां जहां इस प्रकार जो सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हो, सिनेमा थिएटर्स हो, या फिर बस स्टैंड हो, फैक्ट्रीज हो, इन जगहों पर जहां गंदगी जई बढ़ती है, बैरेज हॉल है, टेम्पल है, इसके लिए कोई एडवांस सरकार की तरफ से व्यवस्था करना होगा। अगर वहां पर कुछ नियमों को लागू करना होगा, उसके बिना कोई परमानेंट स्वच्छाई की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, और वातावरण गंदा होगा। सरकार कितने भी पैसा खर्च करे और कितने भी नए नए कानून लाए, परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। तो आदरणीय माननीय उपसभापति जी, एक तरफ तो मैं टी सुब्बाराम रेड्डी जी का इस बिल का, जो वेस्ट मैनेजमेंट बिल 2016 है, स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने पूर्ण प्रमाण से इसके बारे में विचार नहीं किया है। इतने बड़े विद्वान टी सुब्बाराम रेड्डी 100% इसमें विचार कर सारी विचार को इसके अंदर डालकर अगर एक परिपूर्ण बिल आप लाते, तो मैं तो पूरे दिल से आपके साथ खड़ा होता। हाँ, में सब बताया, मैं बिल में ज्यादा बात बता नहीं सकते। ठीक है, ठीक। तो हाँ, तो हमने सुब्बाराम रेड्डी जी का बात समझ लिया, तो ये बिल ये तुरंत वापस लेने वाले हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में पूरा विचार करे, क्योंकि स्वच्छता पहले मन की स्वच्छता से शुरू होती है, फिर घर की स्वच्छता से शुरू होती है, मोहल्ले की स्वच्छता से शुरू होती है, गांव की स्वच्छता से शुरू होती है, टेम्पल की, स्कूल की, फैक्ट्री की, हर जगह पर इन स्वच्छताओं के तरफ जब हम ध्यान देंगे, फिर वेस्टेज का निर्माण अपने आप कम होगा। तो इस प्रकार का एक टोटल थिंकिंग का कॉम्प्रेहेंसिव बिल अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 290 आदरणीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को छोड़कर एक जो बहुत बड़ा स्वच्छता के बारे में उन्होंने काल दिया है, हर सप्ताह में कम से कम 2 घंटा हमें इसे समय देने के लिए कहा है, इसे हम सीरियसली ले। और सरकार भी, मैं ये चाहता हूं, ये सारे मिनिस्ट्री जो आते हैं, एनवायरमेंट आती है, वाटर आती है, एग्रीकल्चर आता है, हेल्थ आता है, रेलवे आता है, जहां जहां ये गंदगी बढ़ते हैं, ये सब मिनिस्ट्री इसमें आते हैं। इन सब मंत्रालयों को मिलकर जो जो खामियां हैं आज रहने वाले कानून के अंदर, उस खामियों को दूर करने के दृष्टि से कुछ नए अमेंडमेंट या नया बिल सरकार लेके आए, और उस समय शायद मैं जरूर मानूंगा टी सुब्बाराम रेड्डी जी भी खुले दिल से समर्थन करेंगे, और हमारे पार्टी की, जो हमारे नेता का सपना है कि स्वच्छ भारत की कल्पना वो साकार की दिशा में ले जाने के लिए अच्छा होगा। फिर मैं ये कहूंगा, गंदगी को निर्माण करके गंदगी का साफ करना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। गंदगी निर्माण ना हो, एक जमाना है हमारा देश में ऐसा था कि गंदगी निर्माण नहीं होता था, जो भी गंदगी बनती थी वो ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग होता था, खेत में जाता था और जगह चले जाता था। आज अपने कुछ गलत नीतियों के कारण आधुनिकता के नाम पर हम ही ने अपनी बर्बादी कर लिए हैं। कम से कम आज तो आंखें खोलकर मेरी सरकार
इस दिशा में एक ठोस कदम उठाए। और आदरणीय टी राम रेड्डी से मैं ये विनंती करूंगा, इतना सुंदर महत्वपूर्ण बिल आप लाए हैं लेकिन ये परिपूर्ण विचार आपने नहीं की है, तो इसलिए आप इस बिल को वापस लेकर सरकार से ये विनंती करें कि एक परिपूर्ण संशोधित विचार आप लेकर आए। ये प्रार्थना करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूं।